Vaiguru, Jesus, Allah, shines off India. तू ही नजर आया, उठी है जिधर निगाह, हर दुखियारे को मिली तेरे दर पे पनाह। भक्तों का ये हुजूम एक खामोश दलील देता है कि इस दर पर मजहब और भेद की हर सरहद टूट जाती है। हर कोई अपने साईं पर यकीन के मजबूत धागे से बंधा इस चौखट पर आता है, क्योंकि ये बाबा का वादा है कि जो भी शिरडी में आएगा उसकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिरडी के इतिहास में सबसे अहम स्थान रखता है ये खंडोबा मंदिर, क्योंकि यहां के पुजारी महालसापति जी ने अपने प्रभु का पहली बार स्वागत किया था। यही वो जगह है जहां साईं को अपना नाम मिला, इसलिए यहां आए बिना शिरडी के नाथ से मिलन अधूरा ही है। अपने आराध्य से मिलने आने वाले अपनी हैसियत के अनुरूप अपने आराध्य के चरणों में कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए यहां कई दुकानें हैं जहां से चढ़ावा लेकर भक्त साईनाथ के दर्शन की चाह लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बड़े परिसर में साईनाथ के जीवन से जुड़े स्थानों को बड़े जतन से संजो कर रखा गया है। यह है गुरु स्थान, यानी वो भाग्यशाली नीम का पेड़ जिसके नीचे बाबा को पहली बार देखा गया था और इसकी छांव में ही उन्होंने अपनी धुनी रमाई थी। बरसों तक उस प्रकाश पुरुष का आस्थान रहा जिसकी ज्योति ने पूरे विश्व को आलोकित कर दिया। इस पेड़ के आधार पर एक छोटा सा सुंदर मंदिर है जिसमें साईं की तस्वीर को प्रतिष्ठित किया गया है। कहते हैं यहां गुरुवार और शुक्रवार को धूप प्रज्वलित करने से सारे संकट इस तेज पुंज से भस्म हो जाते हैं। गुरुस्थान से थोड़ा आगे जाकर बाबा की चावड़ी है। शिरडी स्वामी हर दूसरे दिन यहां शयन किया करते थे। यहां वो पलंग और कुर्सी रखी हुई है जिसे बाबा इस्तेमाल किया करते थे। चावड़ी के ठीक सामने साई के परम भक्त अब्दुल बाबा की कुटिया है। इसके अलावा इस परिसर में ग्राम देवता शनि गणपति और शंकर के मंदिर भी हैं। ऐसा लगता है कि इस स्थान को समस्त देवताओं ने साई को आशीर्वाद देने के लिए अपना निवास बना लिया है। लेकिन धर्म और भेद के हर बंधन से परे है यह शिरडी धाम। इसी परिसर में एक नीम के पेड़ के नीचे नंददीप है जहां बाबा एक गड्ढे में दीप जलाते थे। इसी बाग में दत्ता मंदिर है और वो कुआं है जिसकी खुदाई साईं और उनके भक्तों ने की थी। नाथ के परम भक्त तात्या कोटे भाव महाराज नानावल्ली और अब्दुल बाबा की समाधि भी बाबा के समाधि मंदिर से थोड़ी ही दूर इसी बाग में है, ताकि शारीरिक अस्तित्व के बाद भी उनके प्रिय उनके आसपास ही रहें। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, करते तो तुम हो साईं, मेरा नाम हो रहा है। Shines off in